सो एक किक में स्टार्ट हो गई है अपनी 50 साल पुरानी राजदूत प्राइम। अब आप सुनिए इसका एग्जॉस्ट नोट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज वापस से फिर आ गया हूं इंपीरियल कस्टम्स जयपुर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बाइक। चाहे आप इतना सुंदर कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, चाहे फिर आपका कोई रेगुलर मेंटेनेंस है। लेकिन आज का जो वीडियो है, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है ये ब्यूटीफुल राजदूत। एंड बहुत सारे मेरे भाइयों ने राजदूत को ऐसी कंडीशन में आज से पहले नहीं देखा होगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तब तक ये बाइक मार्केट से जा चुकी थी। एंड अभी राजदूत दिखती भी है रूलर में, लेकिन वो कंडीशन ऐसी नहीं होती। एंड इस बाइक की भी कंडीशन दोस्तों थोड़े टाइम पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन इसको प्रॉपरली रिस्टोर किया है कहाँ पे, इंपीरियल कस्टम्स नवीन भैया की टीम ने। एंड मैं अगर काम की बात करूँ तो बहुत बहुत सुंदर काम हुआ है। किसी भी एंगल से बाइक को देखूँ ना तो एक ही वर्ड निकलता है मुँह से, दैट इज़ वाओ, सिंपली वाओ। इतना बेहतर काम, हाउ इज इट पॉसिबल यार, कि आप इतने से सेटअप में एंड आपके पास में कोई टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड उसके बावजूद भी केवल और केवल डेडिकेशन, केवल और केवल प्यार, केवल और केवल इमोशन के चलते इतना ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आता है। सो दोस्तों 50 साल पुरानी है ये, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जीरो से लेके आज तक की। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दिया, कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियो का चैलेंज, जिसमें डेली एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर आता है और आप लोगों को देखने को मिलता है। सो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है। सो अभी इसका प्रॉपर डिटेल में क्लोजअप में सारी चीज़ें दिखाता हूँ एंड सारी स्टोरीज से रिलेटेड बताता हूँ। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं, क्योंकि जो टू स्ट्रोक का फील है ना वो उसके एग्जॉस्ट नोट के साथ में जुड़ा हुआ है। सो एक किक में स्टार्ट हो गई है अपनी 50 साल पुरानी राजदूत प्राइम। अब आप सुनिए इसका एग्जॉस्ट नोट। ये जो मज़ा है ना दोस्तों टू स्ट्रोक का, ये अपना अलग ही मज़ा है। एंड आप रिस्टोरेशन की क्वालिटी देखिए, एक किक में 50 साल पुरानी बाइक स्टार्ट हो गई है। सो इसे बोलते हैं काम, इसे बोलते हैं दिल से किया हुआ काम, डेडिकेशन से किया हुआ काम। सो अभी इस बेचारी को हम करते हैं बंद, इसकी टेस्ट राइड भी लेके देखेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद। अब दोस्तों पूरी बाइक को आपको मैं लुक से आप एक बार देखिए, ये जो रिम्स हैं इसके ये OEM हैं, जो बाइक के साथ आए थे वही, एंड इनको प्रॉपरली रिस्टोर किया गया है। ये जो इंजन है इसको प्रॉपरली पेंट किया गया है, इसको भी रिस्टोर किया गया है, रियर रिम। एंड ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये तो नया इसके अंदर डाला गया है, पूरी बॉडी वापस से पेंट हुई है। एंड सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो बाइक है ऐसा नहीं है कि अभी रिस्टोर की है, इस बाइक को रिस्टोर किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है एंड तब से कस्टमर रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे हैं एंड अभी ये आई है अपने पास में सर्विस के लिए। सो फ्रंट लुक मैं आपको इसका दिखाता हूँ, फ्रंट से कैसी दिखती है ये, बड़े बड़े चंकी से इंडिकेटर्स, ये देखिए आप कितनी मस्त लग रही है यार, कितनी मस्त लग रही है। एंड जिनकी भी है ना ये, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना भैया, थैंक यू सो मच इस बाइक को वापस से एक नई लाइफ दिलवाने के लिए, क्योंकि एज ए सर्विस प्रोवाइडर नवीन भैया का काम है दिल लगा के मन लगा के मेहनत से काम करना, लेकिन कस्टमर का काम होता है उसके ऊपर पैसे खर्च करना। सो थैंक यू एक उनके लिए भी जिन्होंने पैसा खर्च किया है, नवीन भैया के लिए तो दिल से प्यार, रेस्पेक्ट, धन्यवाद हमेशा मैं बोल ही देता हूँ, बिकॉज जो वो करते हैं ना इट जस्ट लाइक मैजिक, सिंपली मैजिक, मतलब इतना बेहतर काम इतने छोटे से सेटअप में कर पाना विद नो फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट्स जेन्युइनली अमेजिंग है यार। लुक देखिए आप पूरी बाइक का, जो इंडिकेटर्स है ना
इतने बड़े इंडिकेटर्स आपको आज की किसी बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो हेडलाइट है ये राजदूत का मतलब ये सिग्नेचर हेडलैम्प है, एंड की जो लगती है वो यहाँ पे लगती है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से। आजकल की बाइक्स में हम लोग यहाँ की लगाते हैं, यहाँ की लगाते हैं, आपने बुलेट्स में, रॉयल इनफील्ड्स में साइड में की देखी होगी, एवेंजर में देखी होगी, बट इसके अंदर लगती है कहाँ, यहाँ। एंड जावा और यसडी की बाइक्स में भी यहीं पे प्लेसमेंट होती है की। सो ऐसा दिखती है बाइक, ये देखिए आप पूरा जो लुक है ना बाइक का, वो अगर आप टू स्ट्रोक के दीवाने हैं सो आपको पता होगा राजदूत क्या फीलिंग देती है, क्या फीलिंग देती है। एंड पूरी बाइक ये देखिए, यहाँ से ये इसका जो चेन कवर है, इसके सॉक्स हैं, चाहे वो रियर सॉक्स की हम बात कर लें, चाहे फिर वो फ्रंट सॉक्स की हम बात कर लें, कितने अच्छे से काम किया गया है। एंड ये लोहा नहीं है दोस्तों, इट इज़ अ प्लास्टिक, ये जो है ये प्लास्टिक है, इसके अंदर सॉक्स हैं। सो डिज़ाइन देखिए, ये जो है ये फ्रेम का पार्ट है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे ये जो सॉक्स हैं ये लगे हुए हैं। सो ये सस्पेंशन, ये टेक्नोलॉजी उसी टाइम आपको देखने को मिल सकती थी जिस वक्त शायद हम लोग 2-4 साल के रहे होंगे या फिर उससे भी छोटे, क्योंकि 50 साल पहले अगर ये बाइक लॉन्च हुई है, इतना सेटअप, इतनी टेक्नोलॉजी, जेन्युइनली कंपनी हेड्स ऑफ, एंड इतना अच्छा मटेरियल इसमें क्वालिटी का यूज़ किया जाता है कि इतने टाइम के बाद भी बाइक को रिस्टोर करना इम्पॉसिबल नहीं होता। मेहनत लगती है बट कहीं ना कहीं तारीफ मैन्युफैक्चरर की भी है जिसने इसे 50 साल पहले बनाया, कि वो लोग इतना अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं कि 50 साल के बाद भी बाइक स्टार्ट हो जाए। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका तुरंत से हमने फ्यूल बंद कर दिया, फ्यूल की जो सप्लाई है बाइक को बंद करने के बाद, उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर ये सप्लाई हम बंद नहीं करेंगे ना सो क्या होगा, ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। एंड यहाँ पे आप देखिए बैजिंग लगी हुई है 175 इलेक्ट्रॉनिक की, एंड कुछ ना कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दिया गया होगा मेरे को, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन तो है नहीं, डेफिनेटली नहीं है, कार्बोरेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट ये देखिए स्पार्क प्लग यहाँ पे है, ये पूरा कवर है, एंड इट इज़ अ वेरी रफ एंड टफ मशीन। मैंने देखा है अपने यहाँ पे रूलर में, अपने गांव में, अपने होम टाउन में, कि दूध वाले जो दूधिया भाई होते हैं अपने, वो आज भी राजदूत को मेंटेन कर रहे हैं, आज भी राजदूत को अपने यूज़ में ले रहे हैं। सो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है, जो ये टफनेस, जो रगेडनेस ये ऑफर करती है ना, वो आजकल की बाइक्स नहीं कर पाती यार। आजकल की बाइक्स खिलौना ज़्यादा होती हैं, आप कोई भी बाइक ले लें, इवन अगर मैं बात करूँ वो जो उधर रॉयल इनफील्ड खड़ी है, उसको आप 50 साल बाद रिस्टोर कर लेना, नहीं होगी। रिम्स तो क्या, कुछ भी उसका रिस्टोर नहीं होगा, जो उसका फ्रेम है, जो उसका चेसी है, वो भी रिस्टोर नहीं हो पाएगा। बट अगर होता है सो इसमें कंपनी की भी बहुत बहुत तारीफ बनती है। एंड ये जो मिरर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ये राजदूत के ओरिजिनल ही हैं, बट जो डिज़ाइन है इनका ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड स्विचेस यहाँ पे आप देखिए, केवल एक साइड ये स्विच है और इंडिकेटर्स के लिए ये स्विच है, इस तरीके से इंडिकेटर जला के देखते हैं हम अभी, ये देखिए इंडिकेटर्स जल रहे हैं एंड आवाज़ भी कर रहे हैं, बीप भी कर रहे हैं ये देखिए, ये देखिए। सो इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्रॉपरली वर्क किया गया है, लुक्स पे, एस्थेटिक्स पे, एंड मैकेनिकली पूरा वर्क किया गया है। सो अगर आपके पास में भी कोई ओल्ड ब्यूटी खड़ी हुई है एंड जयपुर के आसपास से आप हैं और आपके दिल में इच्छा है उसको रिस्टोर करवाने की, तो आप आ सकते हैं कहाँ पे, इंपीरियल कस्टम्स जयपुर, गूगल पे डालेंगे ना आ जाएगा, एंड इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी जहाँ आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा भैया के इंस्टाग्राम पे। एंड टेल लाइट कुछ ऐसी दिखती है, टेल लाइट जला के दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। ओके, चलेगी या नहीं जलेगी टेल लाइट, आई थिंक नहीं जल रही है बिकॉज क्योंकि अभी है बारिश का मौसम। सो बारिश में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर तो थोड़े बहुत होते हैं, बट आप पूरा साइन देखिए, मतलब एग्जॉस्ट पूरा, आप एग्जॉस्ट यहाँ से यहाँ तक देखिए, कितना अच्छा काम, कितना सटल, मतलब आप बता नहीं सकते कि ये बाइक को रिस्टोर किया गया, ऐसा लग रहा है कि ये नई है। एंड कंपनी के पास एक लास्ट पीस बचा हुआ था सो कंपनी ने दे दिया। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड राजदूत के मीटर में स्पीड कितना आती है, 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये भाग सकती है, इतना जाएगी नहीं जाएगी आई डोंट नो, बट मैक्सिमम स्पीडों में उतना ही दिया गया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मैं मिलूँगा कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।